तो दोस्तों फाइनली जून का जो महीना है वो शुरू होने वाला है और इसी के साथ में बरसात के सीजन में लगाई जाने वाली अगेती सब्जियों का जो सीजन है वो भी शुरू हो जाता है क्योंकि इस माह में मानसून शुरू हो जाता है और लगभग 14-15 जून तक देश के कई राज्यों को मानसून कवर करने की वजह से जो हीट वेव या लू वगैरह की कंडीशन है वो नहीं रहती है, तेज गर्मी नहीं होने की वजह से। उसके बाद में आप काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी खेती भी कर सकते हो और उन सभी सब्जियों से जोरदार उत्पादन ले सकते हो 15 जून के बाद में, और उस समय पे लगाई गई सारी सब्जियां आपकी काफ़ी जोरदार मंडी भाव आपको देके जा सकती हैं क्योंकि उस समय पे लगाई गई सारी सब्जियां आपकी अगेती होंगी और अगेती सब्जियों के बरसात के सीजन में काफ़ी जोरदार मंडी भाव आपको मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में दो ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में आपको जानकारी दूंगा जिनकी खेती आप जून माह में करके काफी जोरदार उत्पादन ले सकते हो और काफी जोरदार मंडी भाव ले सकते हो, मतलब काफी जोरदार मंडी भाव आपको उन सभी सब्जियों से मिल जाएंगे। तो इसलिए वीडियो पे आपको लास्ट तक बने रहना है और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही जानकारियों के साथ सही समय पर आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। और दोस्तों जिन किसान भाइयों के खेत अभी हाल ही में खाली हुए हैं या जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपनी ज़मीन का सोलराइजेशन नहीं किया है तो उनके लिए फिलहाल जो समय है वो एक आखिरी मौका है थोड़े दिनों का, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, मानसून शुरू हो चुका है और फिलहाल टेम्परेचर भी एकदम पीक पे है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, मतलब 47-48 या 45-46 डिग्री से आसपास जो टेम्परेचर है वो चल रहे हैं। तो अभी आपके पास शानदार मौका है अपनी ज़मीन का सोलराइजेशन करने के लिए, तुरंत प्रभाव से आप अपनी ज़मीन का सोलराइजेशन करें अगर आप बरसात के सीज़न में सब्जियाँ लगाना चाहते हैं और उनसे अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं। तो ये कार्य इस समय पर आपको करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हालाँकि काफ़ी ज़्यादा किसान भाई है जिन्होंने ऑलरेडी ये काम कर लिया होगा, लेकिन जिन किसान भाइयों ने नहीं किया है और सब्जियां लगाना चाहते हैं या नहीं भी लगाना चाहते हैं तब भी ये कार्य काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आगे आने वाले दिनों में अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए, क्योंकि अब समय 10-15 दिन का मैक्सिमम मानिए आप, 10-15 दिन बाद में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी, उसके बाद में आपकी ज़मीन नहीं तपेगी। फिलहाल टेम्परेचर इतने ज़्यादा हैं अगर आप अब सोलराइजेशन के लिए गहरी जुताई करके अपनी ज़मीन को छोड़ देंगे तो लगभग 10-12 दिन में ही आपका काम चल जाएगा। ज़मीन के अंदर तक सूर्य का प्रकाश जाने की वजह से सारे रोग कीट बीमारियाँ सारे खत्म हो जाएंगे, तो आने वाले दिनों में फंगस जनित रोग या और कोई जड़ से संबंधित बीमारियां कम से कम आपको अपनी फसलों में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों जितनी भी तरह की सब्जियां गर्मियों में लगाई जाती हैं या फिर बरसात के सीजन में, मान लीजिए आप बरसात के सीजन में जितनी भी तरह की सब्जियां लगाई जाती हैं उन सभी सब्जियों की अगर आप अगेती खेती करना चाहते हैं और उनसे सबसे ज्यादा मंडी भाव लेना चाहते हैं तो आप यह मानिए कि 15 जून के बाद में या जून के आखिरी सप्ताह तक आप सभी तरह की सब्जियों की खेती कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 15 जून के बाद में टेम्परेचर जो है वो काफ़ी नॉर्मल हो जाते हैं, उसके बाद में आप सभी तरह की सब्जियों की खेती कर सकते हो और उन सभी तरह की सब्जियों में थोड़ा सा आपको जो है टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा होने की वजह से सिंचाई वगैरह आपको थोड़ी सी मेंटेन रखनी पड़ेगी, बाकी सभी तरह की सब्जियों में उत्पादन भी ठीक से लिया जा सकता है और मंडी भाव भी काफ़ी अच्छे खासे लिया जा सकते हैं, क्योंकि ये सारी सब्जियां जून के आसपास 15 जून के आसपास या जून के आखिरी सप्ताह तक भी आप लगाते हैं तो काफ़ी अगेती होंगी और काफ़ी जोरदार मंडी भाव और उत्पादन ये सभी सब्जियाँ आपको देके जा सकती हैं। लेकिन जो दो सब्जियाँ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ उनकी तैयारियाँ आपको जून के पहले सप्ताह से ही करनी है और ये दोनों सब्जियाँ जून के पहले सप्ताह में भी अगर आप लगाते हैं तब भी आपको काफी जोरदार मंडी भाव दे जाएंगे और काफी जोरदार उत्पादन देके जाएंगे। नंबर एक पर आप यहां पर जून के पहले सप्ताह में या फिर मई के आखिरी सप्ताह में भी नर्सरी डाल सकते हो बंद गोभी की। अगर इस समय पे आप नर्सरी डालोगे बंद गोभी की तो लगभग आप ये मान के चलिए कि जून के पहले सप्ताह में नर्सरी डालते हो तो जुलाई के पहले सप्ताह में या जून के आखिरी सप्ताह तक आपका प्लांटेशन हो जाएगा और उस समय पर देश के अधिकतर राज्यों को, मतलब ज़्यादातर राज्यों को मानसून जो है वो कवर कर चुका होता है, इसलिए हीट वेव या लू वगैरह उस समय पर नहीं चलती हैं। शाम के समय आप ठीक से प्लांटेशन कर लीजिए और ठीक से प्लांटेशन के तुरंत बाद ड्रेंचिंग विधि से सिंचाई करके अगर 4-5 दिन तक सिंचाई वगैरह करके प्लांट को अगर आप बचा लेते हैं तो उसके बाद में यह फसल आपको जोरदार उत्पादन देके जा सकती है और जोरदार मंडी भाव देके जा सकती है। बंद गोभी की खेती अगर जून के आखिरी सप्ताह में या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में आपका प्लांटेशन हो जाता है तो 12 महीने में मिलने वाले मंडी भाव में सबसे ज्यादा मंडी भाव
भाव इसी समय पे लगाने पे आपको मिल सकते हैं। तो बंद गोभी की खेती अगर आप इस समय पे करते हैं तो जोरदार इनकम ले सकते हैं। बंद गोभी की खेती करना भी आसान है और इससे अच्छा उत्पादन लेना भी काफी आसान है, लेकिन इसमें थोड़ी नर्सरी के समय आपको काफी ज्यादा सावधानियां रखनी पड़ेंगी। ठीक से अगर आप तैयारियां करके और धूप से नर्सरी को बचाना होगा आपको। मॉइस्चर आपके जहां पे आप नर्सरी कर रहे हैं वहां पे इस तरह का तिरपाल वगैरह आपको नहीं डालना है, प्लास्टिक वगैरह की पन्नी कुछ किसान भाई डाल देते हैं जिससे मॉइस्चर, क्योंकि बारिश वगैरह भी शुरू हो जाती है उस समय पे, तो मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से आपकी जो नर्सरी है वो कट जाती है या ज्यादा धूप की वजह से कट जाती है। तो ज्यादा धूप वगैरह से अगर आप बचा लेंगे, बारिश से अगर आप ठीक से बचा लिया तो आपकी नर्सरी अच्छे से ग्रो होगी। ठीक से खाद उर्वरक वगैरह डालिए और लगभग 25-30 दिन में प्लांटेशन कर देंगे तो जोरदार उत्पादन आप इससे ले सकते हैं। बस खाद उर्वरकों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, बंद गोभी की खेती हो या फूल गोभी की खेती हो। अगर आपको उससे अच्छा उत्पादन लेना है तो सड़ी हुई गोबर की खाद काफी ज्यादा अच्छी मात्रा में आपको डालनी है। तो ये सब अगर आप तैयारियां करके काफी अच्छी मात्रा में गोबर की खाद डाल दीजिए, सड़ी हुई गोबर की खाद अगर आप डालेंगे, डीएपी खाद डाल दीजिए 1 एकड़ में 50 से 60 kg, और म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए थोड़ा सा 25-30 kg। आप जमीन की तैयारियां करते समय डीपली प्लोइंग आपको करनी है, गहरी जुताई 20-25 दिन प्लांटेशन से पहले आपको करके छोड़नी है ताकि जड़ से संबंधित बीमारियां आपको देखने को ना मिले। इस तरह से पूरी तैयारियां करके और ठीक तरह से अगर आप खेती करेंगे तो बंद गोभी इस समय आपको जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। हालांकि फूलगोभी की खेती भी आप कर सकते हो उस समय पे, फूलगोभी से भी आपको काफी जोरदार उत्पादन मिल जाएगा, लेकिन फूलगोभी के बारे में पिछले वीडियो में हम बता दिए थे तो इसलिए इस समय पे आपको बंद गोभी के बारे में बता रहे हैं। तो बंद गोभी की खेती आप इस समय करेंगे तो जोरदार मुनाफा यह फसल आपको देके जा सकती है। उसके बाद में दोस्तों इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे अच्छा उत्पादन और सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली अगली जो फसल है वो है बैंगन की खेती, यानी कि ब्रिंजल फार्मिंग आप इस समय पे कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने नर्सरी ऑलरेडी इसकी डाल दी है वो जून माह तक इसका प्लांटेशन कर सकते हैं, और अगर आपने नर्सरी इसकी नहीं डाली है तो अब आप इसकी नर्सरी भी डाल सकते हैं। वैरायटियां आप जरूर देख लीजिएगा आपके एरिया में या आपकी मंडियों में कौन सी या किस तरह की वैरायटियाँ ज़्यादा चलती हैं, देसी वैरायटियों की ज़्यादा डिमांड रहती है या फिर जो दूसरी वैरायटी आती है उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है, तो उस हिसाब से आपको बैंगन की वैरायटियों का सिलेक्शन कर रखे, यानी कि आपकी मंडियों में जिस तरह के फल की डिमांड ज़्यादा है उसी तरह की वैरायटियों का सिलेक्शन करके और उसके बाद में अगर आप बैंगन की खेती करते हैं तो काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट ये फसल भी इस समय लगाने पर आपको देके जा सकती है। दोस्तों अगर सही तरीके से और सही समय पर बैंगन की खेती की जाए तो माला माल कर सकती है सिर्फ एक सीजन में बैंगन की खेती। आपको बस लगाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए और लगाने का सही समय भी आपको पता होना चाहिए। सही समय पर अगर इसका प्लांटेशन हो जाता है तो इसके जो मंडी भाव होते हैं वो आपको काफी जोरदार मिल जाते हैं। वैसे तो हर कोई किसान भाई बैंगन की खेती करता है, लेकिन सही समय पर प्लांटेशन होता है तभी सबसे ज्यादा मंडी भाव इसके मिलते हैं। तो समय तो मैंने आपको बता दिया कि इस समय पर या तो आपने नर्सरी डाली है तो प्लांटेशन कर दीजिए, और जिन किसान भाइयों ने नर्सरी नहीं डाली है तो भी घबराने की बात नहीं है, अब अगर नर्सरी डालेंगे तब भी आपकी बैंगन की फसल काफी अगेती होगी और काफी अच्छे मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। और उत्पादन के लिए आपको इसमें मॉनिटरिंग अपनी फसल की समय समय पे करनी पड़ेगी और काफी ज्यादा सावधानियां, मैं आपको पहले बताता हूं भाई, काफी ज्यादा सावधानी आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें फल छेदक या जो तना छेदक होता है उसका प्रकोप काफी ज्यादा होता है। इसके लिए मैं आपको वॉर्न भी करना चाहूंगा, एक बार अगर इसका अटैक बढ़ जाता है तो उसके बाद आप इसको कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अपनी फसल की ठीक से देखभाल कर सकते हैं, स्प्रे शेड्यूल अगर आप ठीक लेके चल सकते हैं, समय समय पर मॉनिटरिंग अपनी फसल की कर सकते हैं, तभी आपको बैंगन की फसल करनी है। और बैंगन की फसल जो समय मैंने आपको बता दिया है उस समय पर अगर आप करते हैं और जो सावधानियां आपको बताई है बीमारी के लिए मैंने आपको बता दिया है, देखिए समस्या कहां पर आती है, समस्या वहां पर आती है कि फसल के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है, बीमारियों के बारे में अगर पता नहीं होता है, आने वाले रोग बीमारियों के बारे में अगर पता ना हो, उसके बाद में अगर हम किसी फसल को लगाते हैं तो उसमें नुकसान के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो इसके बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें कौन सा रोग सबसे ज्यादा आता है और कौन से रोग के आने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान देखा जाता है, कौन से रोग की वजह से आपकी फसल चौपट हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, अगर फल छेदक या तना छेदक का प्रकोप आपकी फसल में बढ़ जाता है तो पूरी फसल आपकी बर्बाद हो सकती है,
पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। तो समय रहते अगर प्रिवेंटिव से अगर आप स्प्रे लेके चलेंगे, समय समय पर अपनी फसल की देखभाल करते रहेंगे, तो बैंगन की फसल को आप हेल्दी और स्वस्थ रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आने वाली बीमारियों से रोकथाम भी कर सकते हैं, और बरसात के सीजन में एक अच्छा प्रॉफिट बैंगन की फसल से आपको ले सकते हैं, क्योंकि इससे मिलने वाले जो मंडी भाव होते हैं वो काफ़ी ज़ोरदार होते हैं इस समय पर लगाए गए बैंगन के, और दूसरा इससे मिलने वाला जो उत्पादन होता है वो भी काफ़ी ज़ोरदार होता है। सब्जियों में बैंगन भी, बाकी सब्जियों में मिर्ची टमाटर के बाद में बैंगन भी एक ऐसी फसल है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे लंबे समय तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। तो आप बैंगन की फसल इस समय पे कर लीजिए, काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे और काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन मिल जाएगा। दो सब्जियों की फसलों के बारे में यहाँ पर बताया है, दोनों सब्जियों की फसलें मैंने आपको ऐसी बताई हैं जिनको अगर आप जून माह में करते हैं तो मंडी भाव भी काफ़ी ज़्यादा मिलने की उम्मीद है और उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। दोनों सब्जियों के बारे में कंप्लीट जानकारियों के लिए अलग अलग वीडियो डाल दिए जाएंगे चैनल पे, आप देख लीजिए, और उसके बाद में बैंगन और बंद गोभी की खेती आप इस जून माह में कर लीजिए, काफी जोरदार प्रॉफिट ये दोनों फसलें आपको देके जा सकती हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।